हुआ है, उसको लेकर उनके शब्द ठग के साथ ठगी है। अब ये तकनीकी मामले में बात होती है तो उसके पास इतना फुर्सत है कि डॉक्टर रमन के ट्वीट को निगाह रखता है, उसके पास और कोई काम नहीं है डॉक्टर रमन को, डॉक्टर रमन के ट्वीट को देखने के सिवाय। है झेलम कांड की जांच के लिए कि आपका और मुकेश गुप्ता जी का नार्को टेस्ट हो, इसके साथ कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट कराने के लिए हम तैयार हैं। इतने दिन बीतने के बाद, केंद्र सरकार में उनके मुख्य प्रधानमंत्री रहने के बाद, सोनिया गांधी को यहाँ आने के बाद, राहुल गांधी यहाँ उपस्थित थे, जांच के लिए पूरी एजेंसी उन्होंने तय की, कोई हमने तय नहीं किया, NIA का नाम उन्होंने तय किया, और NIA के छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है कि ये कांग्रेस की आपसी कला का परिणाम है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, और ये जांच में सहयोग करें और NIA को पूरी एक भी तथ्य इनके पास है, एक भी तथ्य तो छुपाना भी तो अपराध है, उनके खिलाफ केस चलेगा ना। तथ्यों को छुपाने के मामले में भूपेश के खिलाफ केस चलना चाहिए कि कोई तथ्य उसकी जानकारी में है, उसको छुपा रहा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, और नहीं तो वो तथ्य NIA के सामने और जनता के सामने रखना चाहिए। डरता क्यों है, कौन डरता है, जो अपराधी हैं उनके चेहरे को सामने आना चाहिए, और हम तो ये चाहते ही। लोकसभा में कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई भी हो गई टैक्स चोरी के अंदेशा को लेके, कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं आप? जिस शंका को लेकर बात चल रही है कि पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सब हो जाएगा, पिछले 3 दिनों से शेयर मार्केट आसमान में चला गया, इसका मतलब है कि जो तथ्य सामने आए हैं वो तथ्य में रानी ने जो अपना पक्ष रखा है वो जनता के सामने है, झूठे आरोप लगाने की अपेक्षा तथ्यात्मक बात को रखना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।